स्कूल के अंदर कोरोना का विस्फोट हुआ है, कई बच्चे इसमें कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त की, बड़ी खबर उदयपुर से, जहां पर प्रज्ञा चक्षु मुख बधिर स्कूल में कोरोना का विस्फोट हुआ है। स्कूल के 28 छात्र कोरोना पॉजिटिव बताए जा रहे हैं। चिकित्सा विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। कलेक्टर चेतन देवड़ा और विभाग की टीमें मौके पर पहुंची हैं। पूरे मामले की जो तफ्तीश है वो शुरू कर दी गई है। पूरे मामले में चिकित्सा विभाग इस वक्त सहमा हुआ है। अविनाश जगनावत जी मीडिया संवाददाता खबर पर जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। अविनाश, कैसे इतने बच्चे जो हैं वो कोरोना पॉजिटिव हुए, क्या एहतियात नहीं बरती गई है और एग्जैक्टली रिपोर्ट क्या है? जी बिल्कुल, देखिए कल विद्यालय की एक टीचर संक्रमित हुई थी और उसके बाद तमाम बच्चों के यहाँ पे सैंपलिंग ली गई थी। करीब 80 बच्चे और 10 स्टाफ की सैंपलिंग ली गई थी, जिसमें से आज 28 और कोरोना संक्रमित सामने आए हैं, जिनमें से 25 जो है बच्चे बताए जा रहे हैं। जैसे ये रिपोर्ट सामने आई, स्थानीय प्रशासन में कहा जा सकता है कि हड़कंप मच गया है। चेतन जो कलेक्टर है, चेतन देवड़ा, SP डॉक्टर राजीव प्रचार, पुलिस के तमाम अधिकारी, चिकित्सा विभाग के तमाम अधिकारी मौके पे पहुंचे हैं, क्योंकि ये प्रज्ञा चक्षु विद्यालय है और यहीं पे छात्रावास भी है, बच्चों का यहीं पढ़ते और यहीं रहते हैं। तो ऐसे में दोनों ही भवनों को सैनिटाइज किया गया है। जो पॉजिटिव बच्चे आए हैं उनको प्राथमिक तौर पे जो स्कूल की जो बिल्डिंग है उसमें अलग अलग कमरों में रखा गया है, और जो नेगेटिव जिनकी रिपोर्ट आई है उनको छात्रावास में शिफ्ट किया गया है। और आसपास का जो ये छिपा कॉलोनी का जो इलाका है उसकी जो मेन रोड जो है उसको सीज किया जा चुका है। CMHO की जो टीमें हैं वो लगातार जो आसपास का जो एरिया है वहाँ पर सर्वे का काम कर रही है, वहाँ पे सैंपलिंग की जा रही है ताकि किसी भी तरह से यहाँ पे जो है संक्रमण वो नहीं बढ़ पाए। रसद अधिकारी मौके पे पहुंचे हैं और ऐसे में क्योंकि अगले कुछ दिनों तक ये पूरी कॉलोनी जो है वो सीज की जाएगी। कलेक्टर चेतन देवड़ा ने साफ कह दिया कि पूरी कॉलोनी जो है उसको सीज रखा जाएगा, पुलिस का जाब्ता यहाँ पे तैनात रहेगा, ऐसे में लोगों को रसद की कोई परेशानी नहीं हो। दूसरी तमाम जो लोगों की समस्याएं हैं वो किस तरह से कम की जा सके उसकी यहाँ पे कवायद की जा रही है। लेकिन स्थानीय प्रशासन के सामने एक बड़ा चैलेंज जो है वो फिर से आया, क्योंकि उदयपुर में पिछले कुछ दिनों में लगातार कोरोना के पेशेंट कम हुए थे और इकाई एक की संख्या में पहुंचा था। ऐसे में इस संक्रमण को यहीं पे रोका जाए, हालांकि चेतन देवड़ा जो कलेक्टर ने साफ कहा कि इसको आगे नहीं बढ़ाने दिया जाएगा और यहीं पे इसको रोका जाए, उसकी यहाँ पे लगातार कवायद जो है की जा रही है। और शुक्रिया अविनाश इस तमाम जानकारी के लिए। तो प्रज्ञा चक्षु मुख बधिर स्कूल में ये कोरोना का विस्फोट हुआ है और स्कूल के जो 28 छात्र हैं वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। वहीं देश भर में कोरोना की वैक्सीन को लेकर महाअभियान